ओप्पो A9 2020 ये कैसे रूट होना है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्टॉक रोम फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पीसी पे। अब एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी boot.img नाम से, इसे आपको कॉपी कर लेनी है और अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको मैजिक्स को इंस्टॉल करके ओपन करना है और इसके इंस्टॉल ऑप्शन पे आपको दो बार टैप करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैच बूट इमेज फाइल, इसे आपको प्रेस कर देना है और यहाँ पे जाके आपको बूट फाइल जो आपने फ़ोन पे सेव करी थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। थोड़ी देर रुकिएगा, आपकी पैचिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। अब जब आपकी पैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक फाइल मिलेगी patched_boot.img नाम से, इसे कॉपी कर लीजिए फ़ोन से और पीसी के एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में आपको पेस्ट कर देना है। अब पीसी पे आपको ADB फास्टबूट फोल्डर को इंस्टॉल करना है और इसके अंदर आपको पैच बूट इमेज फाइल पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से पावर शेल विंडो खोलनी है। ADB फोल्डर के अंदर एक प्लेटफॉर्म टूल फोल्डर्स होता है, वहाँ पर जाके फिर यहाँ पर आपको पहला कमांड जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपको टाइप करके एंटर कर देना है। आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको दूसरा कमांड डालना है फास्ट बूट स्पेस रिबूट। आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ।